रोज़ा रखना अखलास के साथ कितनी बड़ी नमत है अल्लाह के नबी सल्लासम फ़रमाते हैं यक़ूल्लाज वजल असऊ मी व अन अज़ी भी अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूँगा यह दायशाह अक्ल हुआ, हुआ शुरब हुमिन अजली बंदा मेरी खातिर अपना खाना पीना और अपनी शहवत छोड़ता है असौम रोज़ा ढाल है वलिस इम फ़रहतान और रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं फरहतना युफिर व फ़रहत रब खुशी एक खुशी उस वक्त जब वो इफ़ार करता है और दूसरी खुशी उस वक्त जब वह अपने रब से मुलाकात करेगा क़्यामत के दिन वलखलू वलूमस्म अतिबल और रोज़ेदार की के मुँह की बदबू अल्लाह के नज़दीक की, की खुशबू से भी ज़्यादा कीमती है रोज़े में मुंह में बदबू पैदा हो जाती है ये जो बदबू है अल्लाह की खातिर थी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कीगा और उसके लिए मुजाहे की वजह से पैदा हुई इसके नतीजे में अल्लाह ताला क्या करता है अल्लाह के नज़दीक वो बदबू ज़्यादा कीमती है की खुशबू के मुकाबले में तो इस हदीस से कई बातें मालूम होती हैं इस हदीस को इमाम अल बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है इससे मालूम होता है कि रोज़ेदार जब इफ्तार करता है तो ख़ुशी उसको होती है एक आम इंसान को खुशी होती है चलो भूख गई भूख गई और प्यास गई अब खाता पीता है तो एक जो है नफ्स को ख़ुशी महसूस होती है और एक वाकई दीनदार इंसान होता है उसको और ख़ुशी होती है क्या खुशी कि रोज़ा मुकम्मल हो गया दोनों खुश होते हैं अपने ईमान के मरतबे के अतबार से आप देखिए हदीस में दोनों चीज़ें जमा हैं हम दुआ पढ़ते हैं इस पर गौर करें वह बवमा उबतलतरोक व सब तल अजर इनशा के प्यास चली गई रगें तर हो गई और अजर पक्का हो गया इनशाला तो इसमें एक तो जिसमानी मशक्क़त के जाने की ख़ुशी दूसरे अल्लाह की तरफ से अजर के पाने की खुशी ये दोनों खुशियाँ रोज़ेदार को मिलती हैं लेकिन ये रोज़े के इफ़ार के वक्त की है एक और ख़ुशी है जो इससे बड़ी है जो अल्लाह रब्लम से इनाम के वक्त मुलाकात के वक्त जब अल्लाह उसको इनाम देगा उस वक्त उसको खुशी होगी तो ये जो खुशियाँ हैं किसके लिए हैं रोज़ेदार के लिए हम रोज़ा ही नहीं रखें तो कहाँ से मिलेंगे मुझको भूख लगती है प्यास लगती है जॉब है काम है काज है इसकी वजह से आदमी रोज़ा छोड़ दें बल्कि आज मेहमान आने वाले इसलिए घर की औरतें रोज़ा छोड़ दें शर्म की बात है या कोई आदमी बच्चों को तो रोज़े रखा है और ख़ुद रोज़े नहीं रखें बच्चों के फोटो वोटो निकाल के इंटरनेट पर डाल रहा है फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डाल रहा है मेरे बच्चे ने रोज़ा रखा और ख़ुद पान खा रहा है खुद रोजे से नहीं है शर्म की बात है कि बच्चे तो रोजे रखें लेकिन बड़ा आदमी जबकि उसको कोई बीमारी नहीं है ठीक है किसी को कोई मर्ज है कोई उज्र उसके पास है मुसाफिर है या मरीज़ है उसके लिए उज्र है डॉक्टर ने मना किया है उसके पास उज्र है कोई प्रेग्नेंट औरत है या कोई ऐसे मसला उसका है उसके लिए उज्र है लेकिन ज़बरदस्ती अपनी लिए उजर बना लेना और उसकी बुनियाद पर रोज़ा छोड़ना गर्मी बहुत है इस साल इसलिए नहीं रख पा रहा मैं कोई बात है सहारा में वहाँ बच्चे रोज़े रख रहे हों और यहाँ ये यह रोज़ा नहीं रख रहा है ए सी में रह के इससे ज़्यादा बदकस्मत कौन है बहाना लोगों से बना सकता है अल्लाह से नहीं फिर इससे बदकस्मत कौन एक तो वो सिरे से रोज़ा ना रखे दूसरा वो भी है कि जो रोज़े रखे लेकिन फिर कैसे अपनी चॉइस से रखे मैं इक्कीसवा रखूँगा मैं सत्ताईसवा रोज़ा रखूँगा मैं जुमा का रोजा रखूंगा मैं इतवार की छुट्टी का रोजा रखूंगा हम दीन के मामले में अपनी चाहत के मालिक हैं हम अल्लाह की चाहत को पूरा करने के लिए दुनिया में जी रहे हैं मोमिन ऐसा होता है वो अपनी चाहत से अल्लाह के दीन पे नहीं चलता वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने अपनी जिंदगी में दीन को नाफि करता है तो नीयत ये करें कि एक भी रोज़ा नहीं छोड़ेंगे बिला उजर ठीक है बीमारी किसी को अल्लाह हिफाजत करे सबकी लेकिन बीमारी अगर कुछ हो या कुछ उज़्र हो तो ठीक है वरना रोज़ा नहीं छोड़ें रोज़े सारे के सारे फ़र्ज हैं पूरे महीने के रोजे फ़र्ज हैं ये नहीं कि इंसान अपने दिल से कुछ भी रोजे रखे ऐसा नहीं है इसको याद रखें